लग गई थी लगभग, और चिड़ियों की चहचहाट टेस्टी लग रहा है। गरम मटर और पालक वाली खिचड़ी जिंदगी। और आज दिन सैटरडे और अभी दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, तो मैं आई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और आज है सैटरडे, तो सैटरडे को लंच में मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। तो खिचड़ी के लिए मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है पालक, क्योंकि आज जो बनेगी पालक वाली खिचड़ी बनेगी, और साथ में मैं उसमें ऐड करने वाली हूँ मटर। तो मटर भी मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं, तो उसे भी अभी मुझे छील करके रखना है। और अभी जस्ट मैं गई थी थोड़ा सा मार्केट, तो अभी लेकर के आई हूँ चूड़ा। और ये जो है ये बासमती चूड़ा है, और ये है मोटा वाला चूड़ा। और आज जो मौसम है वो फिर से, मतलब धूप तो बहुत अच्छी निकली थी मॉर्निंग के टाइम, बहुत ही अच्छी धूप, इसलिए मैंने आज बहुत सारे कपड़े भी धो रखे हैं। लेकिन अभी जो है वो थोड़ा थोड़ा बादल सा छा गया, तो अभी जाऊंगी कुछ देर में छत पे और फिर कपड़े वगैरह ले आऊंगी, क्योंकि सूख चुके होंगे आज, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी कपड़े धो लिए थे। इतनी जल्दी वैसे मेरे सारे काम नहीं होते, लेकिन आज बहुत ही जल्दी मेरे सारे काम हो गए थे, और वो इसलिए कि आज बहुत ही जल्दी मैं अर्ली मॉर्निंग एकदम उठी थी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही कि मैं आज 7:30 बजे कपड़े भिगो रही थी, 7:30 पौने 8 बजे, और आज मैं जाग गई थी लगभग 5:30 बजे। तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, और चिड़ियों की चहचहाट जो है बहुत दिनों बाद मैंने सुनी थी। नहीं तो 7-7:30 बजे उठने के बाद क्या होता है कि पूरा जो दिन है ऐसा निकल जाता है कि लोगों के बहुत सारे काम तो उस टाइम तक हो जाते हैं, और चिड़ियों वगैरह की चहचहाट जो है वो इतनी अच्छी तरह से सुनाई नहीं पड़ती है। तो कोशिश तो यही रहेगी कि अब लगभग मैं हर दिन जल्दी उठूं, लेकिन देखती हूँ कब तक हो पाता है। तो चलिए, मैं तो अभी मटर छील रही हूँ और आप लोगों से थोड़ी थोड़ी बातें भी करते जो है मटर मैं छील लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ खिचड़ी बनाने के लिए। तो मटर छील करके मैं ले आई हूँ किचन में, और यहाँ पे दाल चावल को भी मैंने अच्छी तरह से साफ करके रख लिया है, और कढ़ाई इधर मैंने चढ़ा रखी है, पालक निकाल करके रखी है मैंने। तो अब फटाफट से बस प्याज वगैरह फ्राई करके मसाले वगैरह डाल करके खिचड़ी बना लूँगी। तो यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले जो भी सब्जियाँ मैं उसे फ्राई करूँगी, आप चाहें तो उसे बिना फ्राई किए हुए भी डायरेक्ट दाल चावल के साथ ऐसे ही कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे थोड़ा फ्राई करी हूँ। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया है सबसे पहले थोड़ा सा सरसों का तेल, और उसी में मैंने ऐड किया है थोड़ा घी, यानी कि आधी आधी क्वांटिटी है तेल और घी की, और साथ ही में मैंने उसमें ऐड किए हैं तेजपत्ता, जीरा और हींग, साथ में लाल मिर्च और लहसुन, और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी भुन जाएंगी, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। और यहाँ पे प्याज भी फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने उसमें ऐड किए हैं ताज़े ताज़े हरे हरे मटर, और अभी इतने फ्रेश मटर आ रहे हैं, और इतना मीठा मीठा इसका टेस्ट होता है। और मटर को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भूना है, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर लिए टमाटर, तो कुछ देर तक ये सारी चीज़ें भुन जाएंगी, जब तक कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए, और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक और हल्दी।
और इस ठंडी के मौसम की सबसे बड़ी सौगातों में से एक सौगात है ये सब्जियों की सौगात। बहुत ही अच्छी अच्छी एकदम सब्जियां आती है एक से एक, और ख़ास करके मटर का तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को इंतज़ार रहता है, क्योंकि सूखे वाले मटर और इस मटर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो मटर भी थोड़े से भुन चुके हैं तो मैंने इसमें ऐड कर लिए एकदम से ताज़े ताज़े वाले पालक, और पालक को मैंने बारीक कर लिया है। आप चाहें तो पालक की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पालक का इस खिचड़ी में। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सब्जी मसाला, आप चाहें तो यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्च काली मिर्च जीरा वाले जो पेस्ट होते हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करती है। मुझे बहुत ज़्यादा मसाले वाले खिचड़ी पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम मसालों के साथ ही खिचड़ी तैयार करती हूँ। और सब्जियों भी मैंने बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं यूज की हैं, यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां इसमें जा सकती है, जैसे आलू गोभी जो भी आपको पसंद है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि चावल और दाल को मैंने पहले ही लगभग 10 से 15 मिनट पहले भिगो करके रख दिया, यानी कि धो करके रख दिया, तो इतनी देर में ये थोड़े से सोख हो चुके हैं। तो सब्जियाँ यहाँ पर थोड़ी फ्राई हो चुकी हैं, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं वही दाल चावल जिसे मैंने भिगो करके रखा था। और अब यहाँ पे चावल दाल डालने के बाद कुछ देर के लिए मैं इसे भूनूंगी, जब तक कि इसका पानी जो है वो पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें भून चुकी हैं, तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस प्रेशर कुकर में। और यहाँ पे चावल दाल डालने के बाद मैंने इसमें पानी भी ऐड कर लिया है, और मुझे ज़्यादा पतली खिचड़ी यहाँ पे नहीं बनानी है, तो उसी के हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और जितना मैंने चावल लिया था, यानी कि दाल और चावल को मिला करके जितना लिया था उसका तीन गुना मैंने पानी भी ऐड कर लिया। और अब यहाँ पर बैंगन भरता बनने जा रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत ही सिंपल तरीका यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा चीज़ें मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ, बस बैगन का सिंपल सा ही चोखा बनेगा। तो उसके लिए मैंने बैगन में पहले चीरे लगा लिए हैं 2 से 3, और उसी में मैं लहसुन और हरी मिर्च को भी डाल दे रही हूँ, और इसी तरह से ये कुक हो जाएंगे। और स्टीम लगने तक मैंने यहाँ पर फ्लेम को हाई रखा है, और फिर उसके बाद मैंने फ्लेम को मीडियम लो कर दिया है। और यहाँ पे चावल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी सीटी में आपकी खिचड़ी तैयार होगी। तो पतिदेव जी आ चुके हैं, और देखिए मेरे लिए क्या लेकर के आए हैं, नमकीन और साथ में ये धनिया और सोवा, सोया साग भी इसको बोलते हैं और सोवा साग भी बोलते हैं, बहुत जगहों पे इसे सोया और बहुत जगहों पे सोवा। और इसका जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा मीठा मीठा होता है, पालक के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाता है। तो पालक तो थोड़ा सा रखा हुआ है, लेकिन देखिए कितना सारा ले आए हैं, इतना बहुत ज़्यादा है, 2-3 बार ये आराम से पालक में जाकर के बनेगा तब जाकर के ख़त्म होगा। और धनिया भी जो है अब मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गया है, नहीं तो कुछ दिन पहले हम लोग 5-10 रुपये का एकदम थोड़ा थोड़ा सा लेकर के आते थे, अभी तो एकदम अच्छे से लेकर के आइए और चटनी वटनी बनाइए और मज़े से खाइए। और एक तरफ मैंने खिचड़ी चढ़ा रखी है, और दूसरी तरफ मैंने बैगन पकने के लिए रखा है जिसका बनाऊंगी मैं चोखा। आलू का चोखा नहीं बन रहा है आज बैगन का ही चोखा बन रहा है, और वो भी एकदम सिंपल वाला, लहसुन और मिर्ची मैंने उसी में डाल दिए, और ये इसी तरह से पकेंगे और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, एकदम मीठा मीठा सा सोना सोना सा, बहुत ही अच्छा चोखा बनता है इस तरह से। बैगन गरम गरम और इस तरह से एक ही डब्बे में मैं सभी तरह के पापड़ रख देती हूँ, तो इसमें तरह तरह के पापड़ ही हैं।
आलू वाले पापड़, साबुदाना वाले पापड़ और भी तरह तरह। खिचड़ी बने और पापड़ ना हो उसके साथ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी मैंने चोखा तो नहीं बनाया, जैसा कि बोला जाता है खिचड़ी के चार यार, दही, पापड़, घी और अचार। तो पापड़ तो है, दही भी है और घी भी है, अचार भी है, बस चोखा नहीं है। तो फटाफट से कढ़ाई भी इधर गर्म हो चुकी है, तो मैं तल लेती हूँ पापड़। तो पापड़ भी सारे तल चुके हैं और अब फटाफट से निकालूंगी मैं लंच। और बहुत दिनों से, जैसा कि मैंने पिछले वीक में भी आप लोगों को बताया था कि पतिदेव जी को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं कि वो मेरे साथ मार्केट जा सके, और ग्रॉसरी आइटम जो है वो बहुत सारा ख़त्म हो चुका है। तो देखती हूँ अगर आज कुछ समय मिला, वैसे तो इतने लेट से पतिदेव जी आए ही हैं, लेकिन देखती हूँ अगर थोड़ा समय मिला तो फिर हम लोग जा सकते हैं। मे बी, पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे शॉपिंग के लिए, वो भी ग्रॉसरी शॉपिंग, और बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मॉल में ही जाकर के अच्छी मिलती है, इसीलिए मैं वहाँ जाकर के लाना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत सारे सामान नीचे मिल जाते हैं, मैं चूड़ा लेकर के आ ही गई हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ जाकर के खरीदने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब मैं निकालती हूँ हम दोनों के लिए लंच। और इधर बहुत दिनों से मैंने नमक पारे वगैरह बनाए नहीं थे, इसलिए आज मैंने मंगवाया है थोड़ा, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी नमक पारे हैं और बहुत ही खस्ता है, इसमें तो बहुत सारा चूरा बन गया है इसका। वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं कभी भी नहीं मंगवाती हूँ, शायद मैंने फर्स्ट टाइम ही इनसे मंगवाया है। क्यों पतिदेव जी, नमक पारे, नमकीन तो आप पहली ही बार लेकर के आए होंगे मेरे ख्याल से। और इतना इसमें रह गया चूरा। पाजामा ला रही हूँ। और यहाँ पे बैगन को मैंने छील करके सबसे पहले तो अच्छी तरह से चेक किए, लेकिन अभी फ्रेश फ्रेश बैगन आते हैं तो कुछ भी नहीं निकला। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया बस सरसों का तेल और नमक, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि लहसुन और मिर्च तो इसी में पहले से हैं। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं मैस कर ले रही हूँ, और बहुत ही सिंपल सा टेस्टी सा बैगन का भरता जो है वो तैयार हो चुका है। और समय का बदलाव इसे ही कहते हैं। जो चीज़ मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, यानी कि ये बैगन का भरता, बचपन में मुझे ज़रा भी नहीं अच्छा लगता था, लेकिन यही चीज़ आज मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है बैगन का भरता, मैं अब भी बहुत ही मन से खाती हूँ, चाहे वो टमाटर वाले हों या फिर इस तरह से सादे वाले। सादे वाले तो और ख़ास करके मुझे ज़्यादा अच्छे लगने लगे। तो यहाँ पे गर्मा गर्म खिचड़ी बनकर के तैयार है, तो मैं उसे निकाल ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने उसना चावल यूज किया है, तो खिचड़ी में मैंने 2 से 3 सीटी लगाई थी। अगर आप अरवा चावल यूज करते हैं तो उसमें 1 सीटी से ज़्यादा ना लगा, और अरवा चावल की इस तरह से खिचड़ी जो बनती है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस हम लोग जा रहे हैं अपना लंच करने के लिए, और आज सैटरडे है तो इसलिए हमने बनाई है खिचड़ी, और साथ में है दही, चोखा और पापड़। अचार लेना भूल गए, ले लेते हैं अचार, आम का। हाँ आम का,
और वो अचार भी मैं लेकर के आई थी वही हस्तशिल्प बाजार से, और ये पापड़ भी जो अभी आपने देखे वो भी वहीं से लेकर के आई थी मैं, और काफ़ी टेस्टी पापड़ है। और ये साबुदाना वाला जो है एकदम छोटू छोटू सा पापड़ है, लेकिन देखिए कितना बड़ा बड़ा सा हो जाता है, और टेस्टी भी है, सिंपल है, मतलब सादा ही है, ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह नहीं है, लेकिन टेस्टी है। अचार वो वाला रेट पे है। तो सैटरडे के दिन आप लोगों में से किनके यहाँ खिचड़ी बनती ही है, यानी कि आप लोग भी सैटरडे के दिन खिचड़ी खाते हैं कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं भी अक्सर नहीं लेकिन मतलब हमेशा बना ही लेती हूँ, कभी कभी नहीं बना पाती, इतना अचार और वो भी खिचड़ी में। तो अचार भी आ गया है आम का। फाइनल जो हमारा लंच है वो ये है, और बैगन का ये सादा वाला चोखा ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी लगता है, और ये आ गया आम का अचार, और इधर है दही गाढ़ी गाढ़ी वाली, और इधर है गर्मा गर्म मटर और पालक वाली खिचड़ी। और अब पतिदेव जी करेंगे यहाँ पे पूजा, और मौसम का हाल फिर से वही हो गया, पूरे बादल छाए हुए हैं। तो खाना वाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट लिए 10-15 मिनट, और अभी शाम ढलने वाली है, और मैं गई थी कपड़े लाने के लिए और मोबाइल नहीं लेकर के आई थी, लेकिन सूर्य जो है इतना सुंदर दिख रहा है ढलते टाइम, तो भाग भाग के गई हूँ मोबाइल लाने के लिए। आधा हो गया इतनी देर में, इतना खूबसूरत दृश्य है, अभी वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अभी तो आधा हो चुका है सूर्य, लेकिन जब मैं छत पे आई थी उस टाइम पूरा सूर्य एकदम गोल सा बहुत सुंदर लग रहा था। तो भाग भाग के गई मोबाइल लाने के लिए, सारे कपड़े भी मैंने रख दिए, बस दो बेडशीट यहाँ पर रखी हुई है, और बस इसलिए गई थी भाग भाग के सूर्य को जो डूबते हुए उसको कैप्चर कर सकूँ, लेकिन एकदम थोड़ा सा हो गया अभी, बहुत थोड़ा सा, और बादल इस तरह से छा गए इसलिए सूर्य जो है पूरा गोल एकदम रेड रेड दिख रहा था। क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? दिल की कह ना सका मेरे सनम, मेरे सनम तुझे कितना जाने लगे हो। अच्छा, और और कुछ बनाइए गाना। हाँ, मालूम नहीं किस कारण बांध रहे हैं, डर के कारण, किसके डर, इस पे टांगी है कपड़ा। तो छत पे तो ज़्यादा देर हम लोग नहीं रहे क्योंकि बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी थोड़ी सी हवाएं चल रही है, इसी वजह से हम लोग आ गए नीचे, और देख सकते हैं कि इतने सारे कपड़े मैंने ला करके रखे हैं, तो इसे भी मुझे फोल्ड करके रखना है। चलिए, अब तो कंबल जो है वो पूरे दिन रात ऐसे ही फैला रहता है ना, तो ठंड का जो है सबसे बड़ा मज़ा यही होता है कि आप हमेशा कंबल में दुब के रह सकते हैं, जैसे रहते हैं पति देव जी और मोबाइल चलाते रहते हैं।